क्षेत्र में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि दुकान के ऊपर रह रहे परिवार को फायर ब्रिगेड की पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग ने दुकान के अंदर धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और फैजाबाद की प्रतिष्ठित दुकान के अंदर देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और चार दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया, लेकिन आग की विकरालता इतनी अधिक थी कि दुकान के अंदर सभी सामान जलकर राख हो गए। ये 12:30 की घटना है। अच्छा, क्या लगता है इसमें? अब बता रहे शॉर्ट सर्किट से हुआ है, अंदर पूरा जल गया है। कितना नुकसान हुआ है इसमें? अब लाखों का नुकसान तो अब तो आकलन होगा तभी पता लगेगा, लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया है। महेंद्र त्रिपाठी हमारे सहयोगी इधर से फोन लाइन पर मौजूद है तमाम अपडेट के साथ। महेंद्र, भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है? देखिए, चूंकि ये अयोध्या के साहबगंज की घटना है, क्योंकि वहाँ पे ये मोहन स्वीट के नाम से ये दुकान थी और उसमें शॉर्ट सर्किट लग जाने से वो मिठाई की दुकान पूरी जलकर खाक हो गई, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर जो है दमकल की गाड़ियां आके बुझाई हैं और सारे अधिकारी उसका जायजा ले रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और इस तरीके से आज ये सर्किट आउट हो जाने के कारण इस तरह से आग लग गई है, जिससे ये बड़ी घटना होते होते बच गई है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र।